चलेगी नहीं 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 चलेगी केंद्र आज 10-12 दिन से हड़ताल चल रही है पूरे राजस्थान के अंदर, और जो बाड़मेर में जो हालात है, हॉस्पिटल के जिस तरह से खराब हो रहे हैं दिनों दिन, सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है और डॉक्टरों की मामूली सी बातों को लेकर ये हड़ताल लंबी खिंच रही है। तो इसके बारे में पूरे राजस्थान में आक्रोश है और बाड़मेर में तो है ही, जनता के साथ बुरा हाल हो रहा है, मरीज जाए तो जाए कहाँ। इसलिए सरकार की वो चेताने के लिए कि जल्दी ये हड़ताल ख़त्म करो, अपना ईगो ख़त्म करो और तत्काल डॉक्टरों की जो भी वाजिब बात है मनो, डॉक्टरों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी हठधर्मिता छोड़ो और मनोता के नाते आप पॉजिटिवली होकर और जल्दी ही काम पर लौटो। यही इसके लिए, ये कलेक्टर साहब ने कहा कि आगे भेज रहे हैं, प्रयास हम भी कर रहे हैं, व्यवस्था के लिए भी कर रहे हैं। तो व्यवस्था डॉक्टरों की व्यवस्था तो होगी नहीं, अब टेम्प्रेरी कहीं से लो एक दो डॉक्टर बिठाने से क्या हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी हड़ताल ख़त्म हो ताकि जनता को राहत मिल सके। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस ढंग से हड़ताल आज दिन तक नहीं हुई, कि कोई इश्यू ही नहीं, बिगर इश्यू ये पूरे राजस्थान भुगत रहा है। आपकी मांग को लेकर अगला कदम क्या होगा? नहीं, ये लोग सड़कों पर वैसे अगर ख़त्म नहीं हुई तो यूथ कांग्रेस और पूरी जनता भी रोड पर आएगी, और जिस तरह के हालात बन रहे राजस्थान में कितने दिन सहेगी आखिर। तो इसलिए जरूरी है कि इसको तत्काल हस्तक्षेप करे सरकार और डॉक्टरों की हड़ताल ख़त्म करावा और काम पर लुटावा।